तो फ्रेंड्स, स्पेस मनी वॉलेट से रुपया अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहला आपको स्पेस मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर लेना। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में बैलेंस 24,025 रुपया है। तो जो 25 रुपया है ये तो मेरा कमीशन का है और 24,000 मैं अभी ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप अभी तक स्पेस मनी में आईडी नहीं बनाया है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके आप आईडी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हो सकता है कुछ दिन के बाद इसका आईडी लेने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़े, तो अभी बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ पे फ्री में आईडी बना सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आप कमीशन भी कमा सकते हैं। यहाँ से रिचार्ज करेंगे तब भी आपको रुपये मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ट्रांजेक्शन करेंगे तब भी मिलेगा। अब ग्राहक के रूप में ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपको 1,000 रुपये में 10 रुपये ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं अभी लगभग 1,000 रुपये से प्लस कमा लिया हूँ 3-4 दिन में। तो आप बहुत इसी तरह से आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको अभी स्पेस मनी वॉलेट से आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पे जो रुपया आपको देखने को मिल रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूव टू बैंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको करंट मंथ APFs, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,07,170 रुपया ये मेरा इस महीने का ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए ये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलिजिबल टू ट्रांसफर टू बैंक, जितने रुपये आप ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। वहाँ पे आप देखे हैं वॉलेट में मेरा 24,025 रुपये था, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है 24,000। तो ये मेरा अपना अकाउंट, अपना रुपया है जो कि मैं अपने किसी ग्राहक का रुपया ट्रांसफर करके अपने वॉलेट में किया हूँ। और जो कमीशन आपको मिलेगा वो वहाँ पे आपको शो होगा, उससे आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, अदर जो सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रुपया आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पे आपका अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, आपको इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा इस तरह से आपको ऐड करने के बाद आप जो अकाउंट देना चाहते हैं, जो भी बैंक देना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टेट बैंक अकाउंट देना चाहता हूँ तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये तो आप यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे एफसी कोड डालना है, फिर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर OTP आएगा, OTP डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाई है, ऐड किया हुआ है, इसलिए अभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ से वॉलेट से अपने बैंक में रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको शो होगा कौन बैंक अकाउंट है आपका, कौन सा बैंक ही आपका बैंक अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, एफसी कोड देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टू ट्रांसफर टू बैंक, यहाँ पे आपको रुपये ऐड करना है, कितने रुपये आपको ट्रांसफर करना है। जैसे कि अभी मेरा देखने को मिल रहा है 24,000, तो मैं अभी 24,000 अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा। आप जब ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपका ये चार्ज, यानी आप 25,000 से ऊपर जितना ट्रांसफर करेंगे वो आपका 10 रुपये काटेगा, और 25,000 से नीचे जितना ट्रांसफर करेंगे वो आपका 5 रुपये काटा जाएगा। तो मैं अभी 24,000 ट्रांसफ़र करूँगा, तो मैं आपको 24,000 यहाँ पे डाल करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से डाल देना 24,000, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, यानी ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मैं इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख ट्रांसफ़र चार्जेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रुपये अप टू 25,000। 25,000 से नीचे जितने रुपये आप ट्रांसफ़र करेंगे आपका 5 रुपये काटा जाएगा। उसके बाद आप 25,000 से प्लस अगर 2,00,000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे 10 रुपये चार्ज काटेगा। तो यहाँ पे मैं 24,000 ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरा 5 रुपये काटेगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। आपको सही से बैंक अकाउंट ऐड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर आपको वेट कर लेना है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए लेट होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर लेना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको बैक करने की जरूरत नहीं है। और आप बैक करेंगे तो फिर आपका ट्रांसफर फेल हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने
अभी के अभी 25,000 रुपये, सॉरी 24,000 रुपये का, तो अभी के अभी मैसेज आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, सॉरी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको रुपये दिखा देता हूँ कि मेरा अभी कितने रुपये बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपये, यानी 25 रुपये था तो 20 रुपये अभी बचा हुआ है, जो कि चार्जेस 5 रुपये काट लिया है। तो इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली मनी स्पेस मनी की वॉलेट से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।